हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप यार आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जी मैं भी एकदम अच्छा हूँ। दोस्तों वर्ल्ड वंडर फैक्ट सीरीज के एक और एपिसोड है भाई, आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि हमारी बॉडी में कौन सा पार्ट है जो कि खराब होने पर अपने आप कभी भी ठीक नहीं हो सकता है? जी हाँ, ऐसा ही पार्ट होता है। और क्या आपने कभी तीन पैरों वाले इंसान को देखा है? हम आपको दिखाएंगे इस वीडियो में। क्या आप जानते हैं दोस्तों, हमारी बॉडी से जब बाल गिरता है ना तो उसकी भी आवाज होती है। अभी देखिए, वैसे तो ये बात सभी को पता है कि बरमूडा ट्रायंगल से कोई लौट नहीं सकता, लेकिन आज हम आपसे मिलवाएंगे उस शख्स को जो इस नरक से जिंदा वापस आ चुका है। तो दोस्तों तैयार हो जाइए एक से बढ़कर एक अमेजिंग फैक्ट्स को जानने के लिए। बस आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है। फैक्ट नंबर वन, दोस्तों आपने बहुत सारी पिक्चर्स देखी होंगी जहां पर इंसान के बच्चे अपनी माँ के पेट में कैसे रहते हैं, लेकिन क्या कभी आपने इस तरह की कोई भी पिक्चर देखी है जहां पर आपको ये बात पता चली हो कि जानवर के बच्चे अपनी माँ के पेट में किस तरह से रहते हैं? तो चलिए आज मैं आपको दिखाता हूँ वो पिक्चर। आप देख सकते हैं डॉल्फिन कैसे प्रेगनेंसी के समय अपनी माँ के पेट में रहते हैं। वैसे ही आपको दिखाते हैं बिल्ली को भी। आप ये देखिए किस तरह से बिल्ली प्रेगनेंसी के समय पेट में रहती है। वैसे अब आप एंड में देखिए कंगारू को। फैक्ट नंबर टू, दोस्तों क्या आप जानते हैं ऐसा जीव भी है इस दुनिया में जिसके बच्चे प्रेगनेंसी के समय भी अपनी आंखें खोले रखते हैं? जी हाँ दोस्तों, और ये होती है शार्क्स। इनकी बच्चों की आंखें हमेशा खुली रहती हैं। आप ये देखिए कैसे। तभी तो कहा जाता है शार्क जो बच्चे होते हैं ना वो हमेशा बाहर आने के लिए तैयार रहते हैं। फैक्ट नंबर थ्री, दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कैसे इंडोनेशियन देश के किसान राइस एंड फिश टेक्निक की हेल्प से फार्मिंग करते हैं। आप देख सकते हैं कैसे राइस की खेती की जाती है और एट द सेम टाइम फिश को भी पाला जा रहा है। आप जानते हैं इस तरीके का क्या फायदा है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि अगर खेत में कोई कीड़ा है ना तो फिश उसको खा जाती है और इससे राइस के चारों तरफ ऑक्सीजन सर्कुलेशन बढ़ जाता है और इसका फायदा भी दिखता है। कहने का मतलब यह है कि राइस फिश तरीके से कम 10% ज्यादा राइस को उपजाया जाता है। क्या बात है यार, एक तरफ मछलियां तो दूसरी तरफ राइस, नाइस कॉम्बिनेशन। फैक्ट नंबर फाइव, दोस्तों आजकल तो मोबाइल के बिना भाई किसी का काम ही नहीं चल सकता है ना? हर कोई अपने साथ मोबाइल फोन रखता है। हालांकि इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक रिसर्च में ये बात पता चली है कि जो भी समय हम अपने मोबाइल पर बिताते हैं उसमें से केवल 30% ही यूजफुल होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने मोबाइल पर 100 घंटे का समय बिताया है तो इसका मतलब ये है कि आपने 30 घंटे तो बिल्कुल ठीक बिताए लेकिन 70 घंटे आपके बर्बाद भी हुए हैं। तो दोस्तों अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है ना तो मोबाइल का सही इस्तेमाल करना आपको आना चाहिए। फैक्ट नंबर सिक्स, अब मैं आपको मिलवाता हूँ एक ऐसी लड़की से जिसको देखने के बाद मेरा आपसे वादा है कि आप उनकी उम्र गलत ही बताएंगे। आप देखिए इस लड़की को और बताइए इसकी एज क्या होगी। सोचिए, वह इसका नाम है लियोर हिसु। आपको लग रहा होगा यार ये लड़की शायद 18 से 20 साल के बीच की होगी, है ना? लेकिन दोस्तों आप गलत हैं। इसकी एज है 45 साल। जी हाँ, 45 years। और इस एज में भी इन्होंने अपने आप को जबरदस्त तरीके से मेंटेन करके रखा हुआ है। क्या आप यकीन कर सकते हैं एक 45 साल की लड़की कैसे 19-20 साल की लग सकती है? देखिए इसका मेन रीजन है इनका खाना। ये ना तो नॉनवेज खाती है और ना ही मीठा, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि कभी मेकअप भी नहीं करती है। इसे कहते हैं भाई नेचुरल ब्यूटी। फैक्ट नंबर सेवन, देखिए जब बात मोबाइल की हुई है तो मैं आपको बता दूं हमें जितना हो सके ना मोबाइल को अपनी बॉडी से उतना दूर रखना चाहिए। आपको जानकर हैरानी होगी मोबाइल रेडियो एंड माइक्रोवेव्स को रिसीव करता है और वेव्स हमारी बॉडी भी रिसीव करती है, जिससे होता है कि हमारी बॉडी के जो बोन्स होती है ना वो कमजोर हो जाती है, हमारे टिश्यूज कमजोर हो जाते हैं और हम धीरे धीरे बीमार होते चले जाते हैं। इसलिए दोस्तों कहा जाता है कि मोबाइल को अपने से थोड़ा दूर ही रखें। फैक्ट नंबर नाइन, दोस्तों क्या आप जानते हैं हमारी बॉडी का एक ऐसा पार्ट भी है जो कि इंसानों के जन्म से लेकर मौत तक एक ही साइज में रहता है? आप सोच सकते हैं हमारे शरीर का वो कौन सा अंग है? आपको जानकर हैरानी होगी, वो है हमारी आंखें। जी हाँ, इनका साइज कभी बढ़ता नहीं है। फैक्ट नंबर टेन, दोस्तों क्या आपको जानकारी है कि जो बाल हमारे सिर से नीचे गिरता है या किसी भी बॉडी के पार्ट से नीचे गिरता है उसकी भी आवाज होती है? जी हाँ, जैसे ये बाल जमीन पर गिरते हैं ना इनकी भी एक आवाज होती है। वो बात अलग है कि जो आवाज होती है ना ये चींटी जैसे छोटे जीवों को ही सुनाई देती है। फैक्ट नंबर 11, दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी जब भी कोई बच्चा अपनी माँ के पेट से जन्म लेता है तो जो स्टार्टिंग फेज होता है ना उसके शुरू से 5 से 7 हफ्तों तक दुनिया का हर बच्चा गर्ल होता है। जी हाँ लड़की। उसके बाद धीरे धीरे बॉडी ऑर्गन डेवलप होते हैं। इस बात का सबूत ये भी है कि लड़कों के भी निप्पल्स होते हैं। कहने का मतलब ये है कि दुनिया का हर लड़का लड़की रह चुका है। फैक्ट नंबर 12, दोस्तों क्या आप जानते हैं हमारी बॉडी का वो कौन सा पार्ट है जो कि कभी कभी अपने आप को हील नहीं कर पाता है, यानी कि ठीक नहीं कर पाता है? इस पार्ट का नाम है नन अदर देन टीथ। जी हाँ, हमारे दांतों में लिविंग टिश्यूज नहीं होते हैं और इसीलिए ये कभी भी अपने आप को खुद से ठीक नहीं कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 13, दोस्तों मैं आपको मिलवाता हूँ दुनिया की सबसे मोटी हिप वाली लड़की से। इनसे मिलिए, इनका नाम है माइकल रफिनेली। इनके हिप जो है भाई वो 8 फीट के। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 8 फीट के। आपको बता दूं माइकल एक ट्रक ड्राइवर है
और इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया। एंड ऑफ कोर्स वो है इनका हिप, 8 फीट के साथ दुनिया की सबसे मोटी हिप वाली लड़की। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, ये आजकल एक्सरसाइज मॉडल भी बन चुकी है और दिन का कम से कम $1,000 इनको मिल जाता है। जितना ये ट्रक चलाकर नहीं कमाती ना, उससे ज्यादा इन्होंने पैसा भाई मॉडलिंग में पीटा है। फैक्ट नंबर 15। भाई क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में अब तक की सबसे लॉन्गेस्ट बुक कौन सी है? जी हाँ, एक ऐसी किताब जिसमें 96,09,000 कैरेक्टर्स हैं। दोस्त, इस बुक का नाम है रिमेम्बरेंस ऑफ थिंक पास्ट। ये एक 7 वॉल्यूम्स का नॉवल है जिसे लिखा था मार्कल पोरेस ने। आपको पढ़ने का मौका मिले तो जरूर पढ़ना। फैक्ट नंबर 16। दोस्त, जिस इंसान को आप देख रहे ना अपनी स्क्रीन पर, ये कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं है। यह है ब्रूस कर्नर, जो इस दुनिया के एकमात्र ऐसे इंसान है जो बरमूडा ट्रायंगल से जिंदा वापस आ गए। जी हाँ, आप सुनना चाहेंगे इनके साथ क्या हुआ? मैं आपको बता दूं, इनका ऐसा कहना है कि जब बरमूडा ट्रायंगल से होते हुए इनकी फ्लाइट आगे की तरफ बढ़ रही थी, उसी समय अचानक ही बादलों का एक बड़ा सा झुंड इनकी फ्लाइट के सामने आ गया। इसके बाद 3 मिनट तक ये दुनिया से कट चुके थे। इनका कहना था मानो जो फ्लाइट है वो ब्लैक होल में चली गई हो। लेकिन इनकी किस्मत अच्छी थी, तकरीबन 3 मिनट के बाद पूरी दुनिया से कट जाने के बाद इनकी फ्लाइट को दोबारा सिग्नल मिल गया। सोचिए दोस्तों, क्यों कहा जाता है बरमूडा ट्रायंगल को मौत का रास्ता? क्या ब्रूस भी टाइम ट्रेवल कर चुके हैं? फैक्ट नंबर 17। दोस्तों, जब भी हम खाना खाते हैं और इस तरह की कोई भी चीज को खाते हैं, तो देखिए सब खाने का अपना एक अलग ही स्वाद होता है। कुछ मीठा होता है, कुछ खट्टा होता है, कुछ कड़वा होता है ना? लेकिन जब भी हम मिर्च खाते हैं तो आपको कैसा स्वाद लगता है? एकदम स्पाइसी। लेकिन क्या आपको पता है, मिर्ची खाने के बाद जो स्पाइसी टेस्ट हम फील करते हैं ना, दरअसल में वो कोई टेस्ट है ही नहीं। जी हाँ, ऐसा पता चला एक रिसर्च में, ये एक तरह से पेन को फील करने का तरीका है। अमेजिंग है यार, और इतने दिनों से हम इसको स्पाइसी समझ रहे थे। फैक्ट नंबर 18। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जो आपका खाना खाने का तरीका है वो भी आपको मोटा या पतला बना सकता है? जी हाँ, आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन आज मैं आपको रियलिटी बताता हूँ। अगर आप धीरे धीरे खाते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपका 42% लोअर रिस्क होता है मोटापे के शिकार होने का। जब आप नॉर्मल स्पीड में खाते हैं तो इसका मतलब 29% लोअर रिस्क होता है मोटापे को झेलने का। लेकिन सरप्राइजिंगली, जो इंसान बहुत जल्दी जल्दी खाते हैं उसके मोटे होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तभी तो कहा जाता है अपने खाने को आप अच्छे से चबाइए, अपने दांतों का सही इस्तेमाल करिए। फैक्ट नंबर 19। दोस्तों, आपने बहुत सारे जानवरों के नाम सुने होंगे, बहुत सारे जानवरों के बारे में आपको जानकारी भी होगी, लेकिन क्या आपने कभी लाइगर के बारे में सुना है? आप ये देखिए लाइगर जानवर को, आप खुद ही बताइए ये कौन सा जानवर है। देखिए मैं आपको बता दूं, ये क्रॉस ब्रीड है मेल लायन एंड फीमेल टाइगर की। ये देखिए ये कितना बड़ा होता है लाइगर। फैक्ट नंबर 20। दोस्तों, मैं आपको एक ऐसे इंसान से मिलवाता हूं जिसके पास 2 नहीं बल्कि 3 पैर हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ये 3 पैरों वाला इंसान है। आप ये देखिए इस तस्वीर को, इनका नाम है फ्रैंक लेंचिनी। हालांकि अब ये इस दुनिया में नहीं रहे, इनका जन्म हुआ था इटली में। आप इस फोटो को गौर से देखिए, क्या आपने कभी 3 पैर वाले इंसान को आज से पहले देखा था? नहीं देखा होगा। फैक्ट नंबर 21। अब आप जरा इस पिक्चर को देख लीजिए दोस्तों, आपको क्या लगता है ये क्या है? दोस्तों, आपको यहाँ पर एक ब्लू व्हेल नजर आ रही होगी और उसके साथ में एक आदमी भी। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि ब्लू व्हेल कितनी बड़ी होती है। इस पिक्चर की हेल्प से आपको समझ में आ गया होगा, जो दुनिया कहती है कि ब्लू व्हेल सबसे बड़े जीव है, ये बात 100% सच है। आप खुद ही देखिए इस पिक्चर में, कहां इंसान और भाई साहब कहां ब्लू व्हेल। फैक्ट नंबर 22। दोस्तों, ये बात तो आपने भी नोट की होगी, जब भी हम किसी परफ्यूम को 5 से 6 महीने लगातार यूज करते हैं तो उसके बाद उस परफ्यूम को यूज करने में आपको ज्यादा मजा नहीं आता होगा, क्योंकि वो जो स्मेल होती है ना आपके लिए बहुत कॉमन हो जाती है। इसे कहते हैं ऑल्फैक्टरी एडेप्टेशन। कहने का मतलब ये है कि जब तक कोई स्मेल आपकी बॉडी के लिए बिल्कुल नहीं है, तब तक वो आपके ब्रेन को स्ट्रॉन्ग सिग्नल देती है और आपको भी अच्छी स्मेल या बुरी लगती है। लेकिन अगर यही स्मेल आप रोज लगाते हैं ना, तो आपकी बॉडी इसे ज्यादा रिस्पॉन्ड नहीं देती है। तो दोस्तों, ये थे आज के कमाल के फैक्ट्स। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड ऐसे और फैक्ट्स जानने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप तक हमारी आने वाली वीडियोस पहुंचती रहे। चलिए, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर मेरी चैनल।